है आपका दोस्तों, जिस तरीके से अभी ये खबर आ रही है पूरे राज्य में, यानी बिहार राज्य में खासतौर से इसका बड़ा असर पड़ा है। पिछले दिनों यही खबर जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो वहाँ के लोग बहुत परेशान थे कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। और वो खबर है जो बिहार राज्य के पंचायती राज के मंत्री हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर उम्मीदवार यानी पंचायती चुनाव और कचहरी चुनाव के चुनाव में अगर नामांकन पत्र भरने वाले का दो बच्चे होंगे, दो संतान होंगे या दो से अधिक होंगे तो नामांकन उनका रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा सवालिया निशान है दोस्तों, क्योंकि मैं अगर पर्सनली बात बताऊं तो व्यक्तिगत तरीके से मेरी तो राय होगी कि इस तरह का कानून लागू जब हो तो पहले पार्लियामेंट्री चुनाव से शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद विधानसभा चुनाव से, उसके बाद पंचायती चुनाव से, क्योंकि पंचायत में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हर उम्मीदवार या हर शख्स के 3, 4, 5, 6 बच्चे होते हैं और वहाँ तक जागरूकता वैसे भी नहीं पहुँच पाती है। चाहे किसी भी मैटर में देखें तो देहात गाँव में जितना देर से खबर पहुंचती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ खबर शहरों में पहुंचती है। और हम पे हमारे जितने भी विधानसभा के मेंबर होते हैं वो किसी भी राज्य के कैपिटल में रहते हैं और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो राजधानी में दिल्ली में रहते हैं, तो अगर वो मैसेज देंगे तो पूरे देश तक मैसेज जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में ये कानून लागू होता है तो उससे बात नहीं बनेगी। इस ऐसे कानून को अगर लागू करना है सरकार को या भारत सरकार को तो बड़े लेवल पर और एमपी और एमएलए के चुनाव जो होते हैं, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, ऐसे चुनाव में इस मुद्दे को शामिल अगर करना है तो करें। लेकिन पिछले चुनाव से पहले भी एक बड़ा सुर्खियों में खबर आई थी कि जिनके दो से ज़्यादा संतान हैं वो नामांकन उनके रद्द कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव सामने है, 3 महीने के बाद चुनाव बताया जा रहा है, वहाँ पर अगर ऐसी खबर आती है कि वहाँ दो या दो से अधिक बच्चे अगर किसी कैंडिडेट के हैं तो उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, वाकई में बड़ी खबर है उन सब के लिए जो लोग किसी भी पद पे नॉमिनेशन अपना करने जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर 2 और 2+ चिल्ड्रंस का अगर पॉलिसी को लागू किया जाता है तो उसमें 100 में से 90% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके 3 और 4 और 6 बच्चे होंगे। हाँ, तो ऐसे कानून को लाने से पहले इनको समझना पड़ेगा कि जो कानून लागू करने वाले हैं उनको इस दायरे में आना चाहिए और इस दायरे को फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रामीण तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे में बड़े जनता में आक्रोश होने की आशंका है, लेकिन अभी भी फाइनल मुहर जो राज्य सरकार है उसका लगना बाकी है जिस तरीके से हमारे पास खबर आ रही है। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि ये खबर को आप तक पहुंचाएं और आपका फ़र्ज़ है लोगों तक पहुंचाना। आप अपने कॉन्टैक्ट्स में ये खबर को ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टा या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, वायरल कीजिए, ताकि ये जो जागरूकता है ये लोगों तक पहुँचे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। मैं मानता हूँ कि इंटरनेट का ज़माना है लेकिन हर वर्ग के लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिंपल फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल पर यह खबर देख रहे हैं तो अपने पिताजी को, माताजी को और ऐसे लोग जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते उन तक ये खबर ज़रूर पहुँचाइए। हम आशा करते हैं सरकार से कि इस बार ये कानून लागू ना हो के अगली बार या उसके अगली बार लागू हो। ये अभी सस्पेंस बना हुआ है दोस्तों, लेकिन अभी इस खबर को फाइनल मुहर लगना मेरे हिसाब से बाकी है। तो बने रहिए सबलाइम न्यूज़ पर और हर छोटी बड़ी खबर के लिए। अगर आप पहली बार इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद।